दगा नहीं करेंगे सनम। ओ दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा रब दी कसम। कैसा लगा फ्रेंड्स बताना मुझे। कितने बार होगा कितने देख सकते पांच अंडा किसको देख पाएंगे। भिंडी का इस तरफ सामने की तरफ हम काटते पीछे की तरफ हम क्यों काटते इसका कोई लॉजिक मुझे समझ में आज तक नहीं आया। फ्रेंड्स अभी मैं मेरी प्लांट की छान लेती हूँ। ले लिया चलिए अभी जाके आराम से बैठ के चाय पियेंगे। फ्रेंड्स आज सुबह का जो पसारा अभी तक क्लीन नहीं हुआ क्लीन करना है मुझे। पहले तो मैं चाय पी लूंगी फिर उसके बाद जो करना है ये है मेरा चाय। चलिए फ्रेंड्स अभी चाय लेके बैठ जाती हूँ बहुत टाइम हो गया। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप लोग कैसे हो। मैं तो पूरा ठीक हूँ लेकिन ना बहुत नींद आ रहा है। ये सब करते करते रात में बहुत लेट हो जाता है। सब काम हम तो एडिट करो सोते सोते 12 बज जाते हैं 12 साढ़े 12 बज जाते हैं फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो आज इतना नींद आ रही है ना मैं क्या बताऊँ। आप पहले थोड़ा सा चाय पी लेते हो फ्रेश हो जाएगा माइंड। चलिए ये है मेरा बिस्किट और ये चाय। मैं पसारा ठीक कर लेती हूँ पहले नहीं तो खाना कहाँ से खाऊंगी। ये ना फ्रेंड्स हम जो चावल खाते हैं वो चावल तो ये हम बॉयल राइस खाते हैं। रात में मैं भिगो के रखती हूँ और अभी वो पानी फेंक के फिर अभी नया पानी डाल के मैं बनाती हूँ। इसमें चावल पूरा खुल्ला खुल्ला आता है हमें ऐसा खुल्ला खुल्ला चावल ही पसंद है। हम बहुत गैस भी लगता है तो थोड़ा सा गैस बचता है। थोड़ा सा बर्तन दिख रही थी चावल थोड़ा सा देख लेती हूँ कितना दूर तक थोड़ा सा नहीं हुआ। मेरे बर्तन रखने की बस्केट इसके अंदर पूरा दुनिया का बर्तन सब भर जाएगा। चलिए चलिए दूसरी जगह। फ्रेंड्स आज क्या था बना रही हूँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज मुझे अंडा बनाना है अंडा करी। फ्रेंड्स अंडा करी तो बनाऊंगी अंडा तो बॉईल करना पड़ेगा। अंडा मैंने पहले धो लिया और ये कुकर में मैं अंडा रख रही हूँ। कुकर में मैं बॉईल करती हूँ अंडा पूरा ठीक ठाक बॉईल होता है। कभी कभी इधर उधर हो जाता हो तो कभी कभी तो कुछ भी होता है लाइफ में। तो मैंने 5 अंडा इधर बिठा दिया अभी आराम से 2-3 सीटी लगेगा।
मीठा दिया अंडा। आप बंद करके भरोसा कर सकते हो, दो तीन सीटी चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स मैं आज क्या क्या सब्जी बनाऊंगी वही मैं सोच रही हूँ। देख सकते हैं फ्रीज में खोल दिया, अभी देख रही हूँ क्या बनाना है मुझे। एकदम स्टिक का सब्जी बनाने में बहुत टाइम लगता है, नहीं कल बनाऊंगी इसको। अभी भिंडी का सब्जी बना लेती हूँ, अब देखती हूँ धीरे धीरे और क्या बनाना पड़ेगा। ये भिंडी धो लेती हूँ। इस पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ। अभी मुझे कपड़ा लेके अंदर तक जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। चावल मेरा उधर बिठा दिया, हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद। अंडा को मैंने सीटी लगाने के लिए बिठा दिया। बाजार से आधा किलो भिंडी लेके आई, तो अभी भिंडी फ्राई मुझे करना है। तो फ्रेंड्स अभी मैं भिंडी को थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आधा किलो भिंडी मैंने कटिंग शटिंग कर लिया, अभी फटाफट मुझे भिंडी फ्राई बिठाना है। गरम हो गया, तेल दे रही हूँ। ये देखिए अंडा अच्छा करके बॉईल हो गया। फ्रेंड्स देख सकते हैं छिलते छिलते एक अंडा तो कैसा निकला, खराब नहीं है लेकिन कैसा होल जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये वाला मैं ही खा लूंगी। और दूसरा साइड पे देख सकते हैं फ्रेंड्स भिंडी आराम से बन रहा है महाराजा का जैसा। एक गिलास पानी, 10 मिनट के लिए रखती हूँ। तेल मेरा गरम हो गया, पापड़ भी मैंने दे दिया इसके अंदर। अबे ऐसा करके रख दूंगी, आराम से 10-15 मिनट के अंदर हो जाएगा। बोतल में पानी भरना भूल गई, मैं खुद ही भरती हूँ। पानी ले लेती हूँ, बहुत प्यास लगती है। फ्रेंड्स मैंने अभी तक सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी बजे वही 11 बज गए, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। थोड़ा सा तो ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, कर लेती हूँ थोड़ा सा। आलू पम्पकिन की सब्जी बहुत सुंदर करके पक रहा है ना फ्रेंड्स। नहीं पकता, ये सब्जी बन के रेडी। बन गया मेरा आलू पम्पकिन टमाटर की सब्जी। देखते हैं फ्रेंड्स अभी
खाना बनाना कंप्लीट हो गया, अभी ये पसारा जो पूरा है उसको मुझे क्लीन करना है। तो वही फिर से दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा करके मुझे काम करना पड़ेगा। आती हूँ थोड़ा टाइम के बाद। अभी ब्रेकफास्ट करने का मूड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मैंने आप लोगों के सामने मैंने 3-4 पापड़ खाया था ना घबघब करके, तो पापड़ खाने के बाद फिर पानी पिया, पेट मेरा आधा भर गया, तभी थोड़ा सा मैंने चाय लिया। ऐसे भी काला चाय में इतना असर होता नहीं है, अब कितने भी बार पियो नॉर्मल के। और एक ऐसा बिस्किट लिया, इसका नाम क्या है, न्यूट्रीचम। तो पूरा बिस्किट नहीं लूँगी, आधा बिस्किट ही खाऊंगी चाय के साथ, थोड़ा सा और इंथू आ जाएगा काम करने के लिए। हाँ, मेडिसिन ना गप्पे लगाओगे तो मेरे काम कौन करके देगा, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, और एक बात बताती हूँ, मेरे सामने रहती है एक आंटी, ये जैम का बोतल है, मत सोचिए मैं अभी जैम दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मुझे दिया अचार, मतलब ये जो महाराष्ट्रन अचार होता है ना जो घर में बनता है बेसिकली, बहुत टेस्टी होता है, तो मैं आज तो खाऊंगी पक्का दोपहर में। बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मैंने आज क्या क्या बनाया वो भी एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स, सब काम करने के बाद में आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और कुछ नहीं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, क्योंकि मेरे अभी जाने का टाइम हो गया। तक के लिए बाय।